एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा फोन पे एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन आईडी एंड यूटीआर आईडी को किस तरह से पता करते हैं, मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आखिरी तक देखना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक हिस्ट्री वाला ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक कर देना है। जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो और जो यूटीआर आईडी है वो कभी ना कभी किसी वजह से ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपको किस तरह से देखना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको हिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपके सामने कैटेगरी वाला ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देना। अब उसके बाद आपके सामने नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा मनी सेंड, ठीक है, तो सेंड, तो आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब आपने जितने भी पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करे हैं वो आपको इधर पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आपको किसका जो है यूटीआर आईडी चाहिए किसको, जैसे कि मैंने इधर पर फर्स्ट में देख सकते हो मैंने पैसे ट्रांसफ़र करे थे, ठीक है। अब मैंने इन्हीं को करे थे तो इनका ही मुझे यूटीआर आईडी चाहिए है और ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए है। तो सिंपल सा मैं इन पर क्लिक करूँगा कुछ इस तरह से, और जैसे मैं क्लिक कर दूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर की तरफ लिखा ट्रांजेक्शन आईडी और जो मैंने आईडी है वो ब्लर कर रखा है ताकि जो आईडी जो लीक ना हो पाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगी ट्रांजैक्शन आईडी। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो इधर पर यूटीआर आईडी लिखा है और उसके बाद उसकी जो यूटीआर आईडी है वो इधर पर देखने के लिए मिलती है, तो हमने इसको भी ब्लर कर रखा है। तो कुछ इसी तरह से आप ट्रांजैक्शन आईडी एंड यूटीआर आईडी देख सकते हो फ़ोन पे एप्लीकेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नो तो सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो नीट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।